हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मैं आ गया हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, मतलब बोले तो संडे वाला ब्लॉग। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। आज वीडियो में हम लोग क्या आपको दिखाने वाले हैं, फिर भी मैं आपको मैं बता देता हूँ, आज मैं बनाने वाला हूँ कच्चू पत्ता का पकौड़ा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, आपको मैं दिखा देता हूँ कि कच्चू पत्ता जो है मेरे घर का ही अपना है, जो मैंने तोड़ के लाया। ये देखिए, जो देख पा रहे हैं बहुत ही फ्रेश पत्ता है ये। मतलब इसका पकौड़ा अगर बना के खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वीडियो में आपको यही दिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मैंने ये पेस्ट तैयार कर लिया है बेसन का। अभी क्या करेंगे, बेसन को इस कच्चू पत्ता में भी इसको बारीक बारीक से लगाएंगे। हाँ तो दोस्तों, मैं दूसरा लेयर लगाने जा रहा हूँ। ये देखिए, दूसरा लेयर लगाया था। अच्छा, तो मैंने ऑलरेडी जो है लेप जो है लगा दिया है, ये कम्प्लीट हो गया। अब जो करना क्या है कि पत्ता को फोल्ड कर देना है। पत्ता को इसे फोल्ड करना है तो ऊपर से लेता है। ऐसे ड्रैग करने के बाद इसे कुछ इस तरह से दिखाना है। ठीक है, बात करने के बाद क्या करना है, इस तरह से पैक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको स्टीम लगाएंगे। ठीक है, पानी को बॉइल करने के लिए हमने रख दिया है। ठीक है, अभी मैं चालू कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, तो ये पानी बॉइल होगा तो इसमें क्या करेंगे, इसको स्टीम करेंगे। इसको क्या करेंगे, बॉइल होने के बाद गर्म पानी में इसको हम क्या करेंगे, स्टीम करेंगे। गाइज, ये मेरा बॉयल होने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा है। आप इसको हम क्या करेंगे, मैं बॉयल होने के बाद इसको क्या करेंगे, इसको कट करके पीसेस में निकाल देंगे। देखिए, पीस में करके हम इसको निकाल रहे हैं। देखिए, ये पीस में निकाल रहे हैं, कुछ इस टाइप का देखने मिल रहा है। इसको मैंने काट के ऑलरेडी यहाँ पे रखा है। इसको करने के बाद क्या करना है कि इसको हम जल्दी फ्राई करें। गाइज, मैंने इसको ले लिया है। अब इसको हम जाएंगे फ्राई करने के लिए। देख लीजिए कैसा स्टीम होने के बाद ये गया कढ़ाई में। बहुत आराम से डालना है, फिर कुछ कम हाथ में रख के उसको पकाना है। देखिए, मैं अभी तो पकाने का उसको ब्राउन होने तक पकाना है। गाइस, फ्राई होने के बाद ये कुछ तरह का दिखेगा। ये देखिए, काफ़ी ही करंची है ये। ये देखिए, तो आप लोग भी घर पे ट्राई कीजिए। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे भारत।